हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। सम्माननीय यहाँ पर सबसे पहले मंच का उद्बोधन कर रहे हैं दर्द साहब, मैं उनका वंदन करता हूँ। जो संगीत के बहुत मर्मक गुणी हैं, बहुत अच्छे अनुभवी हैं, सम्माननीय हरदास उस्ताद बड़गांव से पधारे हैं, जो संगीत के विशारद हैं। यहाँ पर कोई दिखता नहीं मुझको, कोई चिड़िया यहाँ दिखती नहीं मुझको, यहाँ पर हरदास उस्ताद बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए ऐसा हारमोनियम बजाते हैं, ऐसा गायन करते हैं कि उत्तर भारत में कोई दूसरा मुझको दिखता नहीं। क्या बात है, तालियां बजाएं जोरदार। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, बोलो महिमन हीरा कब कहे लाख टका मोरो मोल। जोरदार तालियां बजाएं हरदास उस्ताद जी के लिए, जोरदार तालियां। यहाँ बिराजे हैं जो आपके घराने के हैं, हमारे पूज्य हैं, हम उनको नमन करते हैं। सम्माननीय लाला राम उस्ताद, जिनकी इतनी पैनी और इतनी झीनी गायकी है कि मुझे ऐसा लगता है मैं उनका प्रथम शिष्य हूं, मैं उनका प्रथम शिष्य हूं। उनके गायन के लिए मैं भी तरसता हूं, शायद तरसते तरसते मर जाऊं, लेकिन उनकी बात मुझ पर आज भी नहीं बनती। ऐसे रागों के तमाम जाना और प्रभा से आना, बहुत अच्छे गुणी खान परिवार के हमारे शहीद भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े गुणी बैठे हैं। अभी हमारे सुनील भाई साहब इस बात को आप लोगों को संकेत कर रहे थे कि क्लासिकल भी मिलेगा सुनने के लिए, तो थोड़ा सा जैसे कि एक कहावत है बुंदेलखंड की कि बुंदेली नोनी लगे हुए के वे को ढंग, होए केवे को ढंग, और जैसे मीठे भुंजे चना लगे नॉन मिर्च की संग। सबसे पहले बलराम लल्ला जी ने, हमारे लल्ला ने एक बुंदेली उछाली थी तो आनंद आ गया था। दूसरी इस लड़की ने गाया है जिसका नाम सत्यराज है, आनंद आ गया। कार्यक्रम में एक बार ताली बजाएं आप लोग भाई, लगे ऐसा लगे कि कार्यक्रम हो रहा है, और कार्यक्रम में जब जनता कह दे उनके दिल को, उनके अंतर चछुओं को संगीत छू जाए, और फिर तो आज संगीत के घराने में बैठे हैं उत्तर मध्य राज के, और हम लोग तो आज यहाँ सीखने आए थे, सीखने आए थे। अगर साहब बुरा मत मानना, आप भास्कर बोलते हो, भले ही आप लोगों की चरणों की कृपा से संगीत सबसे पहले आपके घराने में प्रधाव मतलब जो है उसका प्रगटाय, और जब घराने में आए हैं तो हम लोग सीखने के लिए आते हैं, ना कि गाने के लिए। भाई हम क्या गा सकते हैं, हम कलाकार खास कर नहीं आते। ये तो राजू भैया, ये तुम्हारी बढ़ाई है, ये तुम्हारा बड़प्पन है। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने समझे हमारे मध्य प्रदेश में, और ऐसी छाप छोड़ दी है कि वो कहीं अनूठी नहीं है, संसार पूरा जानता है। हल्की फुल्की प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश से 27 कलाकार आए हैं, 27 कलाकार आए हैं पूरे के पूरे, 30 के लगभग होंगे। तो सब बोले कि भास्कर भाई सब चलो, तो हमने हम अकेले रह जाएगा, तो हमने कहा हमारी बोले रहो उठाओ हम चल जाए, थोड़े टाइम में चले, लेकिन बोले कर रोको एक मिनट के लाना, हमने कहा चलो दो दिन रहना पड़ रहा है, अनुमति हो जाए सबकी, मम्मा की हो जाए। कहां गए हमारे मासा उस्ताद लाला राम जी, और चार के लगभग भेल भी गाई जाती है। रामपाल वासा,
कहीं कलह तो नहीं है, शांति है। हम बता आप टाइम पास करा दिया तो हम आई मान। अरे पितंतरुल बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। हमारी उम्र के युवा साथी, सम्मान्य माताएं बहन, जा इसलिए रहा था कि चूंकि कल कमिश्नर आयुक्त के आवास पर प्रोग्राम है सुबह, इसलिए मुझे जल्दी जाना था, ना कि वो चार बार में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर गया कार्यक्रम देने के लिए, बुंदेली की बल सुनने के लिए बुलाया मेरे को, संस्कृति विभाग ने भेजा, मैं गया गाने के लिए। इसके बाद मेरी टीम को दुबई भेजा गया, विदेश भेजा गया, राधा प्रजापति एंड पार्टी को, उसमें मैं गायन करने के लिए जाता था बुंदेली गाने के लिए। बुंदेली का बहुत महत्व मैं बताऊं दर्द साहब, वो आप तो महान पुरुष हो इस चीज के। आ जाओ सब आगे, धन्यवाद। भैरवी का भी तरीका तीन चार प्रकार से, जो जयपुर के घराना है, जो मैयर घराना है, ये बहुत मिठास है, बहुत प्यारा लगता है, दिल्ली घराना है, लखनऊ का घराना है, हमारा जो है गुजरात घराना है, बनारस घराना है, रेसा निशा धानी धापा मापा गामा गारिस। चूंकि प्रोग्राम है हमारी बिटिया शिखा का, मैं केवल 5 मिनट लूंगा उसका, ज्यादा टाइम नहीं। कि प्यारे पलना में झूले, बस केवल दुआ है कि प्यारे पलना में झूले और तुम्हारी लाडली, प्यारे पलना में झूले
सोलंकी जी जिन्होंने हमारे बलराम लल्ला के आत्मीय उद्गारों को पूरे विश्व में फैलाया है, ऐसे मीडिया के प्रभारी सुमन सोलंकी। हेलो, हमारे वर्मा समाज का मैंने इतनी बड़ी लाइफ में पहला प्रोग्राम देखा। कितनी बार तारीफ करूं, दिल नहीं मान रहा है मेरा। और जहां तक भाग्य भास्कर जी की बात है, इनके दोनों लड़के नौकरी करते हैं, इन्हें गाने का शौक है। गड़ोपति है, करबरापति का तो कम है। हमारे लल्ला में राम और शिव का मतलब लल्ला जी में और भाग्य भास्कर जी में बचते राम लखन नहीं, राम ये है तो हमारे लल्ला शिव है। एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दाग राग की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के फैन है। All right.
रहे हैं लल्ला जी, जमीन जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और वास्तव में माता के माता को, रामपाल को, घनश्याम को, की परिवार को, वर्मा समाज को, जो वर्मा समाज प्यार दे रहे और सात समाज को हम प्यार नहीं दे सकते, आपको चौदह तालियां बजाओ। हम ऊपर के जा शादी के लिए क्या हम गया हूँ, हमने को बुलाया था सात हजार के घर छोड़ के, वर्मा समाज का बुलाया था, बहुत प्यार बहुत सम्मान बना। आ गए लल्ला जी आपके बीच में, और बहुत ही मीठी आवाज हमारे भागवत जी की। अब इसके बाद हमारे सतीश जी आएंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक सेकंड, अपन का टाइम नहीं लेने मिलते इससे टाइम नहीं लेने हैं कि हम यहाँ पे जो है दुर्जन मास साहब का नाम सुना करते थे। उत्तर मध्य राज में कोई भी संगीतकार नहीं था, इंटरनेशनल द ऑल वर्ल्ड में कोई भी इधर जो है ऐसा कोई प्ले करने वाला नहीं था हारमोनियम का, जिनके शिष्य हैं हमारे सम्माननीय दुर्जन मास साहब का, ये छिपी बात नहीं है। और इनसे जेठे जो है हमारे सम्माननीय कलाकार हरदास उस्ताद यहाँ बैठे हैं। जय हो साहब, अरे बागन से हम पास। और सम्माननीय हमारे रामपाल भाई साहब, उनकी ओर से एक से एक रुपया, और सम्माननीय बिजन मा साहब की ओर से, घनश्याम भाई साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो तुम लोगों की ये हौसलादाई है, ये तवज्जो है, ये प्यार है, लाड है, दुलार है कलाकारों के लिए, ये तुम्हारे घर घराने की पहचान। Thank you.
दूसरा गीत टाइम नहीं लेना है मेरे को बिल्कुल। और हमारी लल्ला जी साथ में पूरा करेंगे हमारी इच्छाएं ऐसे। देव पहले राजी भाई साहब जय हो भाई साहब की इच्छा है राजू भैया की हमारे अखिल भारत बुंदेलखंड के सम्राट कहे जाए हमारे वल्लभ लल्ला जी के प्रथम शिष्य हमारे राजू जी बहुत अच्छा गायन है बहुत अच्छी जीवन अच्छी बात है गौरव और गर्व हो हमारे बुंदेलखंड के आप काय खाम तो ये जरूर।